Awakening with Brahma Kumaris. Om Shanti. Awakening with Brahma Kumaris में आप सबका स्वागत. Life skills इस श्रृंखला में हम और आप साथ साथ चल रहे हैं. बहुत कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं. अगर याद हो पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि जो गुजर गया, जो बीत गया, उसे छोड़ना ज़रूरी है अपनी हीलिंग के लिए, अपनी खुशी के लिए, और माफ़ करना ज़रूरी है. जिस दिन मैं माफ़ करना सीख जाऊंगी, क्योंकि जब हमने बात की थी तो समझ में आया था कि हम क्यों नहीं माफ़ करना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि हम सही हैं, लेकिन अपने आप को कितना दर्द दे रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ये समझें तो माफ़ करना आसान हुआ. आगे बढ़ते हैं. मुझे किसी से माफ़ी मांगनी है तब क्या करूँ. हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. दोनों का स्वागत. ओम शांति. डॉक्टर पटेल, माफ़ करना तो मेरे हाथ में था, मैंने कर दिया, लेकिन मुझे किसी से माफ़ी मांगनी है. अब जब इतने अवेयर हो गए, इतने सजग हो गए, लगा कि मुझसे गलती हुई है, कहीं ना कहीं गलत था या थी, और बहुत वक्त भी गुजर गया है, लेकिन वो साथ साथ चल रहा है, तब क्या करें. तो बहुत अच्छी बात आपने पॉइंट रेज किया है कि जब हम माफ़ी नहीं मांगते तो उस बोझ को लेकर के घूम रहे, और वो बोझ हमें तकलीफ देता है. शरीर पर भी इफ़ेक्ट होती है, मन पर भी इफ़ेक्ट होती है. अब प्रश्न यह है कि अगर नहीं मांग सके माफ़ी, तो ये समझना चाहिए कि अगर मेरे पर बोझ है, रियलाइजेशन ऑलरेडी हो गया है, फिर भी मैं माफ़ी नहीं मांग सकता हूँ, तो ये मेरा ईगो है. बस ये समझ ले कि ये मेरा अहंकार है कि मैं माफ़ी नहीं मांग पा रहा हूँ, और उस अहंकार को मुझे ख़त्म कर देना. वाई डू आई फील गिल्टी? सी, उस वक्त जब मैंने किया था मैं सही थी, और उसके बाद क्योंकि मैं अपने आप को गलत नहीं मानना चाहती, मैं अपने आप को बहुत सारे वो देती जाती हूँ लॉजिक कि मैंने इसलिए किया था, ये हुआ इसलिए हुआ था, इसलिए मैंने ऐसे बिहेव किया था, इसलिए मैंने ऐसे रिएक्ट किया था, उस वक्त रिएक्ट करना ज़रूरी था, या ये ज़रूरी था ऐसा. लेकिन अब जब अवेयर हो रहे हैं तो समझ में भी आ रहा है कि यही वो चीज़ है शायद कि जो मैंने क्रिएट की, सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी. अब ये गिल्ट है, कैसे जाऊँ मैं, नहीं जा पा रहे. देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस. कुछ एक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ मुझे उस समय लगता है कि जो मैंने किया वो सही है. इनफैक्ट हमेशा ही हमें लगता कि जो हमने किया वो सही है, लेकिन थोड़े समय के बाद हमें लगता कि नहीं, मेरा वो कर्म, मेरा वो एक्शन सही नहीं था. दैट इज़ वन प्लेस वेर आई कुड फील गिल्टी एंड मैं सॉरी कहता हूँ. लेकिन कुछ एक सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है. ओके, अभी भी, उस दिन भी, आज भी, और शायद हमेशा मेरा वो बहुत एक्यूरेट बिलीफ सिस्टम है कि नहीं, जो मैंने किया वो सही था. लेकिन कई बार मेरा कुछ सही भी उस बात की वजह से किसी और के अंदर दर्द चल रहा है. भले हमें ये समझ में आ रहा है कि उनका हर्ट वो खुद क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है. वन थिंग आई अंडरस्टूड इज दैट आई एम नॉट क्रिएटिंग समबडी एल्सेज हर्ट. नो वन कैन हर्ट मी, आई कांट हर्ट समवन. लेकिन समवन कैन यूज़ व्हाट आई हैव डन टू हर्ट देमसेल्व्स. तो भी कहीं ना कहीं मेरा कर्म स्टिम्युलस तो बना ना. वो कर्म मेरे लिए सही था. सपोज मैंने आपको कुछ कह दिया, ऐसा मेरे हिसाब से मैंने सही कहा, लेकिन आप उस बात को लेकर अगर हर्ट हो रहे हैं, तो जितनी देर आप हर्ट हैं वो आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी किसकी तरह ट्रैवल होगी? मेरी तरफ ट्रैवल होगी. अब मैं सही हूँ, फिर भी क्या मैं सॉरी कह सकती हूँ? और क्या मुझे सॉरी कहना चाहिए? दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. मैं सही हूँ, जो मैंने कहा वो सही है, क्या मुझे सॉरी कहना चाहिए? This is very important. I don't want to say sorry. Yeah. You know, because we say कि मैं तो सही हूँ. अब क्या होगा अगर हम नहीं सॉरी कहते हैं? एंड सिर्फ कहने की बात नहीं है, जो एनर्जी हम एक्सचेंज करते हैं उनसे कॉन्स्टेंटली वो एनर्जी हमें मिलती जाएगी, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम गलत थे, हम सोचते हैं कि हम सही हैं. तो ये बहुत सारी ऐसी अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, और ये सॉरी अपॉलोजी इसीलिए अटक जाती है बीच में बात, कौन सही है कौन गलत है, सॉरी कहूँ या नहीं कहूँ, सॉरी कहूँ तो वो ऊपर से कैसे रिएक्ट करेंगे, सॉरी कहूँ तो क्या वो मुझे कमज़ोर तो नहीं फील करेंगे, सॉरी कहूँ तो क्या वो फॉरगिव करेंगे. कईयों के अंदर ये बहुत डर है, चलो मैं तो सॉरी कह दूँ लेकिन क्या वो फॉरगिव करेंगे? मैं उन्हें सॉरी कहने जाऊँ वो वापस मुझसे कैसे बात करेंगे? तो ये सारे डाउट्स जब मन में चलते हैं,
then we stop ourselves from finishing that negative karmic account. ये एक negative energy exchange है, blockage है, जिसको हमें smooth करना है. Need to think about this, but अगर ये नहीं हुआ, अगर sorry नहीं हुआ, चाहे मैं गलत हूँ या नहीं हूँ, ये realization है मुझे दोनों बातों में. अगर मैं सही हूँ तब तो मैं कई बार कहता हूँ कि सवाल ही नहीं उठता कि मैं सॉरी कहूँगा, लेकिन अगर मैं गलत हूँ तब भी मैं सॉरी नहीं कह पा रहा इसी कारण से कि वो मुझे माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, या उनका अपर हैंड हो जाएगा, यू नो, वो मुझे दबा पाएंगे. तो ये जो गिल्ट है या ये जो है, ये मेरे को क्या तंग कर रहा है? लेकिन ये बात भी जो शिवानी बहन ने कही वो अच्छे से समझनी चाहिए कि चाहे मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं सही हूँ, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हुआ है, तो मैं समझ लूँ उनको हर्ट तो हुआ, मैं सही सिर्फ मेरे नज़रिए से था, उसके नज़रिए से तो मैं गलत था. तो अगर मैं वहाँ पर आई पुट माई फुट इन शूज़ एंड देन सी कि भी कहाँ हर्ट हो रहा है, तब मुझे रियलाइज़ होगा कि भी हर्ट तो हो रहा है, और मुझे माफ़ी मांगने से अगर वो हर्ट दूर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. और दूसरी बात कि अगर मैं नहीं मांगता हूँ तो उनसे नेगेटिव वाइब्रेशन मुझे कंटिन्यूस मिल रहे हैं, वो मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, और इससे भी मुझे हार्म होगी अल्टीमेटली, क्योंकि वो ऑरा मेरे तक पहुंचता है और मुझे उसका नुकसान होगा, इसलिए भी मुझे माफ़ी मांगनी है. और ये छोटी सी बात है वास्तव में तो, लेकिन मैं गलत ही नहीं. जब आपको अपोलोजाइज करना है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से कर दूँ, ये नहीं है, दिस इज़ नो चीटिंग ईच अदर. मैं किस बात के लिए अपोलोजाइज कर रही हूँ? मैं अपोलोजाइज जो मैंने किया उसके लिए नहीं कर रही हूँ, मैं अपोलोजाइज इस बात के लिए कर रही हूँ कि आप हर्ट हैं. टू थिंग्स आर डिफरेंट. आप दर्द में हैं, उस बात के लिए मैं आपको सॉरी कहती हूँ. नॉट जो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ किया, ये कांच टूट गया इतना बड़ा, ये टेबल आपके लिए बहुत वैल्यूएबल थी, लेकिन मेरी गलती से टूटी, आई डिडंट डू इट डेलिबरेटली, सो बट यू आर नाउ सो मच इन पेन, सो आई अंडरस्टैंड दिस कि मेरे किसी एक्शन ने आपके अंदर ये दर्द क्रिएट किया. So I am sorry, not for breaking the table, but I am sorry for having become an instrument for you to experience so much pain. वो तो सत्य है ना, वो तो झूठ नहीं है ना. हाँ, ये ठीक है, ये मेरी गलती नहीं थी, ये हो गया, या मेरे को लगता है ये सही था, whatever. लेकिन आप दर्द में हैं, is this a fact? So I am sorry for you having to go through so much pain. This can be say sorry to each other. भले I was right, but you have in, you are in pain, I'm sorry for that. लेकिन वहाँ से फिर result नहीं आता है. नहीं, result आएगा. देखो, कभी करके देखिए, जब हम sorry कहते हैं तब आप देखेंगे कि जो wonderful results मिलेंगे. सबसे पहले तो कई बार ये होता है, सामने वाला व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं आपकी तो गलती थी नहीं, तो सारी चीज़ resolve हो गई, आप ही उस बोझ को लेकर के घूम रहे थे. दूसरी बात कि वो व्यक्ति रोने लगेगा, तो भी हुआ कि उन्होंने माफ़ कर दिया, हो सकता है कि अभी हंसने भी लगे. और चलो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, आप कहेंगे कि भाई उसने माफ़ नहीं किया, लेकिन आपने तो माफ़ी मांग ली, आप तो हल्के हो गए, वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. अगर नहीं मांगी माफ़ी, अगर गिल्ट में हूँ मैं, या ये सब कुछ चल रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी, व्हाई आई नीड टू डू दिस, तो अंदर तो आपके वो ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं ना, सूक्ष्म में वो इफेक्ट हो रही है, जिससे टॉक्सिक इमोशंस का काबल उससे थोड़ी कम, परंतु वो इफेक्ट हो रही है, और वो इफेक्ट सारे बॉडी ऑर्गन्स पर हो सकती है, क्योंकि अंदर में आप बोझ को लेकर के घूम रहे हैं, खुशी का अनुभव नहीं करेंगे. डॉक्टर, अभी आपने कहा कि आप उस कर्म के लिए सॉरी नहीं हो अगर, लेकिन उस इमोशन को आपके अंदर क्रिएट करने का जो इंस्ट्रूमेंट आप बने हैं, उसके लिए सॉरी हो सकते हैं. तो जो जैसे मैं माफी मांग रही हूँ, वो तो उम्मीद करता है कि आप उस कर्म के लिए आई शुड फील सॉरी. लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग. अपने आप को थोड़े समय पहले देखते हैं, जब हमें ये नई समझ में आया था कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माय थॉट्स, तब हम ये फील करते थे कि उन्होंने जो कहा उससे मेरा हर्ट क्रिएट हुआ. नेक्स्ट प्रोग्रामिंग ये हुआ करती थी कि वो सॉरी कहेंगे तो मैं ठीक हो जाऊँगा. होता था ना, इसी प्रोग्रामिंग के साथ हम चल रहे थे कि मैं बुरा भी तब फील करता हूँ जब कोई कुछ कहता है, अच्छा भी तब फील करता हूँ जब कोई उसको चेंज करता है. दैट्स द पावर ऑफ सॉरी. पीपल आर एक्चुअली वेटिंग टू हियर दैट सॉरी. उनकी कोडिंग अंदर ये हुई हुई है कि जैसे ही ये सॉरी कहेंगे, आई विल फील फाइन. ये बहुत डेफिनेट है.
डेफिनेट कोडिंग हमारी हुई हुई है. वो ये नहीं रियलाइज़ कर रहे कि पहले उनके सेंटेंस को मैंने लिया हर्ट क्रिएट करने के लिए, अब उनके सॉरी को मैं लेता हूँ अपने आप को बेटर फील कराने के लिए. सॉरी इज वर्क्स एज अ स्टिम्यूलेंट, प्रोवाइडेड यू आर नॉट जस्ट सेइंग इट ऊपर से, यू आर रियली फीलिंग इट. कई बार आप कुछ लोगों के साथ देखेंगे, आप उनको सॉरी कहें, वो कहेंगे नहीं मुझे नहीं लगता आपने रियलाइज़ किया है. आप कहेंगे रियली आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट हैज हैपेंड. नो आई डोंट थिंक, मेरे को लगता है आप ऊपर से कह रहे हैं. यू नो व्हाई? अभी उनका दर्द नहीं गया. जब तक उनका दर्द नहीं जाएगा आपका सॉरी सच्चा नहीं था. आप 4 बार 5 बार 2 महीने के बाद फिर से, 6 महीने के बाद फिर से कहो, द डे दे आर हील्ड दिल से नाउ यू हैव रियलाइज्ड बिकॉज नाउ आई एम हील्ड. अच्छा, इट डजंट मैटर कि सामने वाला शायद 6 महीने पहले ही रियलाइज कर चुका था कि वो सॉरी है, लेकिन मेरी हीलिंग नम जब तक नहीं होती ना, मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है. इतना डीप मेरी प्रोग्रामिंग ये है कि जिस दिन वो रियलाइज कर लेगा मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, बिकॉज मैंने ये कभी नहीं समझा था कि मेरा दर्द मैं खुद ठीक करती हूँ. वी कीप ऑन, देर आर टाइम्स वेन वी कीप ऑन डिमांडिंग सॉरीज फ्रॉम पीपल. सॉरी बोलो फॉर व्हाट यू हैव डन. व्हाई? आप सॉरी बोलेंगे आई विल फील बेटर. दिस इज अ वेरी सटल वे कि जिससे हम अपने आप को ठीक कर पाते हैं. अब वो अपने को कैसे ठीक कर रहे हैं, वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड. वी नीड टू अंडरस्टैंड हम कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने को भी फ्री करने में और सामने वाले को भी फ्री करने में. नो, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वेट करते हैं. हम भी तो वेट कर रहे होते हैं. हम तो वेट कि वो सॉरी कहे. यस. और एक्चुअली हम कई बार वेट करते हैं कि उसको रियलाइजेशन भी तो हो. हाँ, तो रियलाइजेशन कब? जिस दिन मेरा दर्द खत्म हो गया उस दिन आपको रियलाइजेशन हो गया. दिस इज हाउ द प्रोग्राम इज गोइंग. हाउ डू आई कम टू नो कि आपके अंदर रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं? कैसे पता चलेगा मुझे? सी, वंस यू रियलाइज, अगेन सॉरी कोई ऐसे नहीं कह देता. मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत किया, तो देन आई विल कम एंड हैव अ टॉक विद यू मे बी कि व्हाई आई डिड दिस, और या ऐसे मैंने किया था तो ये सही नहीं था. आई शुडंट हैव डन दिस. नेक्स्ट मंथ यू माइट डू इट अगेन. आपने रियलाइज किया? नहीं. आप फील कर रहे हो कि हाँ आई एम सॉरी. नेक्स्ट मंथ यू माइट रिपीट द सेम थिंग एब्सोल्युटली ऑल ओवर अगेन, क्योंकि आपके हिसाब से वो गलत था ही नहीं. वो आपके हिसाब से गलत नहीं था, या वो आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, वो आपकी संस्कार बना हुआ है. रियलाइजेशन मीन्स स्टॉप, चेक, चेंज, गॉन. कितनी चीज़ें हम इतनी जल्दी चेंज कर पाते हैं? नहीं, हम रियलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसको जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं किया इट्स नॉट अ रियलाइजेशन. लेकिन आपका वो एक सॉरी मुझे हेल्प कर देता है टू फ्री माई सेल्फ ऑफ अ लॉट ऑफ पेन. एंड इज इट देन यूजुअली वी आर सेइंग सॉरी जस्ट बिकॉज, सॉरी फॉर क्रिएटिंग हर्ट टू यू, नॉट बिकॉज आई एम रॉन्ग? या मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड फील, बट वी आर नॉट अवेयर कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. आप एक बच्चे को देखो, बच्चे ने कोई गलती कर दी, मदर गुस्सा होकर बैठ गई या मदर रोने लग गई, बच्चे अपने गलती के लिए नहीं सॉरी कह रहा होता. बच्चा अपनी मदर को ऐसे देख रहा होता है ना कि मेरी मदर, मेरी ये बात की वजह से मेरी मदर रो रही है. वो अपनी मदर को चुप कराना चाहता है. बच्चा कई बार रो रहा होता है, मदर चाहती है कि बच्चा चुप कर जाए. मदर बच्चे को कहती है, बच्चे आई एम सॉरी मैंने तुमको ऐसा. व्हाई? शी वॉन्ट्स दैट द चाइल्ड शुड गेट हील्ड. द चाइल्ड वॉन्ट्स दैट द मदर शुड गेट हील्ड. सो वॉट इज इट, वॉट आर वी डूइंग विद ईच अदर? हम एक दूसरे को दर्द से बाहर निकालना चाहते हैं. कर्म के बारे में तो एक्चुअली हम बहुत ज्यादा सोच भी नहीं रहे होते. नहीं, लेकिन अगली बार हमारे सामने वो कर्म आता है, हम दो बार सोचते हैं, because it's going to hurt my mom. Yeah, because it's going to hurt my mom, not because the karma is right or wrong. See, that is the thing. आप अपने बच्चे को कुछ एक चीज़, वो उसको, suppose आपने अपने बच्चे को कहा कि school bunk करके नहीं जाना चाहिए, he might still like that thing. उसको अभी भी अच्छा लग रहा है वो आइडिया, लेकिन it might hurt my mom. That is why I will not do it. Equation is very different. I have not realized that the action is wrong. मेरा उस पर नहीं है रियलाइजेशन. अभी मेरे को सिर्फ टेम्प्ररी, क्योंकि कुछ एक दिन पहले ही ये हुआ था, थोड़े दिन के बाद जब मुझे वो हर्ट वाला सीन भूल जाएगा, आई विल स्टिल थिंक ऑफ बंकिंग स्कूल एंड गोइंग. तो मेरी रियलाइजेशन एक्शन के बारे में नहीं, मेरी रियलाइजेशन कि आपको दर्द हुआ, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए सॉरी. दो बातों में काफ़ी फर्क है. पहली बात अगर हो जाए, मुझे रियलाइज हो कि मेरी एक्शन गलत थी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, तो सुपीरियर है. तो सदा के लिए खत्म हो जाएगा. देन इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ना, देन इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन. लेकिन हम जो रो देते हैं एक दूसरे को, इमोशनली गिल्ट में फील
बच्चे ने गलती की, पेरेंट्स क्या करते हैं, बात करना बंद कर देंगे. दिस इज़ अ वे ऑफ पनिशिंग द चाइल्ड कि मैं नहीं बात करूँगा. बच्चे के लिए पेरेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट, स्पेशली जब बहुत छोटे, मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति मेरे से नाराज़ है. वो गोल 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 घूमता रहेगा सॉरी 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 कहते हुए. व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी ट्राइंग टू टीच हिम अ लेसन, बट दिस इज़ नॉट द वे. वी आर टीचिंग हिम द रॉन्ग इक्वेशंस इन लाइफ. एक्चुअली उसको उस एक्शन के प्रति लेके जाने की बजाय, उस कर्म में क्या गलती हुई, उसका क्या रीज़न था, वी जस्ट शोड हिम आई एम हर्ट एंड यू हैव टू से सॉरी. आपका सॉरी बोलने से आई विल बिकम बेटर, एंड दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग इवन आफ्टर वी ग्रो अप. द इक्वेशंस जस्ट गो ऑन टू बीइंग द सेम थिंग. हम एक दूसरे को हर्ट देखते हैं, फटाफट सॉरी बोलते हैं ताकि आपका मूड ठीक हो जाए, भले मैं गलत था या नहीं था, मैं सॉरी बोल दिया. ताकि आप ठीक हो जाओ, मतलब आप अपसेट नहीं हो इतना. That's all that we're doing. But we need to understand कि this does make a difference to other people. And most important, मेरे लिए बहुत useful है वो, provided I'm feeling it from inside. Feel करके करे. आजकल कई बार हम सिर्फ ऐसे ही sorry बोल देते हैं ताकि आप ठीक हो जाओ. Then it won't work. नहीं तो feel करके हम क्या कर्म पे काम करेंगे फिर भी? दोनों बातें हैं ना. अगर कर्म आपको लगा कि गलत है तो आप कर्म पे काम करेंगे, या ये आपको लगा कि कौन सा कर्म से किसको दर्द क्रिएट होता है तो आप उस बात पर काम करेंगे. लेकिन कुछ तो काम करेंगे ना, कहीं तो अटेंशन रख कर अपने अंदर परिवर्तन लेंगे. सॉरी को सिर्फ एक शब्द की तरह यूज़ करके रिश्तों में एक्सप्लॉइट तो नहीं करेंगे ना. यू विल रियली वर्क ऑन व्हाट यू आर सेइंग टू ईच अदर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कई भाई बहनें ऐसे मिलते हैं, दे आर गिल्टी कि उन्होंने कोई अपने पेरेंट के साथ या कोई भाई बहन के साथ कुछ ऐसा किया था, एंड देव लेफ्ट द बॉडी. कहते कुछ ऐसा करवा दो जिससे हम एक बार उनको सॉरी कह सकें. यू नो, इतना गिल्ट दे कैन कैरी, एंड उससे उनकी पूरी प्रेजेंट एंड फ्यूचर अफेक्ट हो सकता है जस्ट बिकॉज टाइम रहते हमने वो सॉरी नहीं कहा था. वो गिल्ट इतना बर्डन आपके साथ चल सकता है. सो इट कैन बी वेरी डैमेजिंग टू द एंटायर पर्सनैलिटी. वही पूछा जा रहा है कि जो अब ये जो सारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, चाहे वो गिल्ट की हैं, हर्ट की हैं, ये अगर हम कैरी करते जाते हैं, अगर लेट को नहीं किया है, सो वेयर डज इट लीड फिजिकली आल्सो? फिजिकली आल्सो इट विल हैव द सिमिलर. जो भी ऑर्गन वीक है उस पर उसकी नेगेटिव इफेक्ट होगी, या स्पेसिफिक जो ऑर्गन पर उसकी इफेक्ट होनी है वह स्पेसिफिक ऑर्गन पर भी होगी. जैसे गिल्ट की जो फीलिंग है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर हो सकती है. इवन नो, गिल्ट कैन अफेक्ट योर एंडोक्राइन सिस्टम एज वेल, क्योंकि उसके साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो उस प्रकार की बीमारियां आपको होगी. सप्रेस्ड फीलिंग्स या गिल्ट जो है, ये एक जो हम चुप हो जाते हैं, you know, हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि, और ये जो एक डर कि मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा, तब हम शायद चुप रहते हैं, नहीं बोल पाते हैं. उसको कैसे ओवरकम करें? लेकिन हमने तो बोल दिया, एटलीस्ट हम तो हल्के हो गए. अगर वो व्यक्ति माफ़ नहीं करता है फिर भी भले हमें नेगेटिव इफेक्ट होगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आएगी, परंतु हमारी ओर से तो हम हल्के हो गए. एटलीस्ट 50% बेनिफिट हुआ. अब 50% उस व्यक्ति की गलती है, नहीं कर रहा है, बोले फिर से भी कहो. पश्चाताप की जो बात है सर शिवाली, पश्चाताप में जो रोना और पश्चाताप में जो हम अपने आप को वन गिल्ट में रख के बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं, वो बहुत डैमेजिंग कई बार होता है, क्योंकि उसमें हम बहुत अपना लो सेल्फ एस्टीम में भी जाते हैं. दो बार गलती हो रही है ना. एक बार जब मैंने वो किया तब गलत एनर्जी क्रिएट की. सपोज मैंने आपको गुस्सा कर दिया, बहुत ज़ोर से अभी आपको कुछ कह दिया, तो अभी गलती हो गई. अब उसके बारे में मैं 4 दिन गिल्ट में रहूँ, हाँ मैंने इस तरह से बात कर दी, मैंने उस तरह से बात कर दी, तो वो गलती एक बार नहीं हुई, कितनी बार हो गई. सो गिल्ट इज़ वेरी वेरी डैमेजिंग. आज हम बहुत सारी बातों की वजह से गिल्ट में हैं. Guilt is not the solution. Paschatap is not the solution. Transformation is the solution. हाँ, मैंने पिछली बार ऐसे बात की, ये गलत थी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, I'm not going to do it again. Majority time we see कि suppose मैंने आज आपसे गुस्सा किया, ज़ोर से किया, कई दिनों तक मैं गिल्ट में भी रही, बुरा भी लगा, लेकिन अगली बार मेरे मुख से फिर उस तरह से बात निकल जाती है. क्यों? क्योंकि जितनी देर मैं पश्चाताप में भी रही, मैं एनर्जी कौन सी क्रिएट कर रही थी? नेगेटिव. तो आत्मा की शक्ति और भी कम होती जा रही थी. जैसे ही स्टिम्युलस फिर से आया, मुझे फिर गुस्सा आ गया, फिर मैं अगले कुछ दिन फिर पश्चाताप में रही.
I've seen so many people जो कहते हैं, जैसे हस्बैंड का वाइफ पर हाथ उठ जाता है, कहते हम नहीं करना चाहते, हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, बहन आपको नहीं पता जब हम करते हैं हमें इतना बुरा लगता है, हम पक्का करते हैं, हमने फिर अगली बार फिर वही होता है. क्यों? क्योंकि हमने अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म नहीं किया. नेक्स्ट टाइम वो नहीं हो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? ताकत चाहिए. ये सारी नेगेटिव थिंकिंग तो मेरी ताकत को और भी कम कर देती है. मेरी गलती बार बार रिपीट हो रही है. पश्चाताप मीन्स जो गलती मैंने की उसको मैंने अब रिपीट नहीं करना है, फुल स्टॉप. उसके बारे में सोचना 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 इज एक्चुअली उस गलती को बार बार रिपीट करना. जितनी बार मैं उसके बारे में सोचूंगी, मैं वही नेगेटिव एनर्जी खुद को भी और आपको भी भेज रही हूँ. सो इट्स जस्ट वन थॉट कि आई विल नॉट डू इट अगेन, चेंज माई थिंकिंग. फिर आप स्टिम्युलस चाहे कुछ भी दो. बट वी ऑलवेज से विल नॉट डू इट अगेन. हाँ, नॉट टू इवन अदर्स, टू योरसेल्फ, टू योरसेल्फ. अपने आप को भी कहते हैं कि हम नहीं करेंगे. पश्चाताप करना अच्छा है, लेकिन एक ही बार करो और टोटल चेंज. मतलब इट हैज टू फिनिश. वो कैसे करें? नहीं हो पाता ना, क्योंकि हमने अपने थॉट को नहीं चेंज किया. क्योंकि वही बात है ना कि कर्म को चेंज करना तो चाहा हमने कि हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम गंदा नहीं बोलेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, हो नहीं पाता. कहीं ना कहीं हम अभी तक जस्टिफाइड है अपने उस कर्म के लिए. सी दैट्स व्हाई इट्स कमिंग डाउन अगेन टू द सेम थिंग. मैं चाहती हूँ ये रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन उस समय जब मुझे गुस्सा आया था, मेरे अंदर एक और थॉट है जो कहता है लेकिन मुझे गुस्सा तो इसलिए आया था ना क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था. तो एक्चुअली तो मेरा गुस्सा जस्टिफाइड था. तो मैंने अपने बिलीफ को नहीं बदला, थॉट नहीं बदली, मैंने सिर्फ अपने आप को कहा अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगी. लेकिन बिलीफ सिस्टम, थॉट्स, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन नहीं बदला, वो एक्शन में फिर से आ जाएगा. स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन नहीं किया. बिलीफ सिस्टम ये कि उन्होंने भले कहा, गुस्सा मैंने किया था. आई हैव अ चॉइस कि आई कैन चेंज माई रिस्पॉन्स टू एनी सिचुएशन. ये गुस्सा करना मेरे लिए अच्छा नहीं है. नहीं, बट माई चॉइस ऑफ क्रिएटिंग द रिस्पॉन्स इज टोटली इन माई हैंड, इंडिपेंडेंट ऑफ द सिचुएशन. परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मेरा रिस्पॉन्स मैं क्रिएट करती हूँ. ये प्रोग्रामिंग मुझे बार बार अगर मैं करूँ, नेक्स्ट टाइम मेरा रिस्पॉन्स मेरे कंट्रोल में होगा. तब मैं अपने आप को कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ ये बात अब फिर से नहीं होगी. उन्होंने गलती की, लेकिन मैं गुस्सा करके दूसरी गलती कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं क्रिएट कर रहा हूँ. हाँ, मैंने क्रिएट भी किया और दूसरी गलती. एटलीस्ट मुझे तो गलती नहीं करनी चाहिए, इसलिए भी मुझे गुस्सा नहीं करना, इसलिए मैं सही बात को चूज करूँ. डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि हमने खुद ये रिस्पॉन्स क्रिएट किया. अगर हम चाहते हैं तो उस बिलीफ सिस्टम पर जाना पड़ेगा. और कौन सी ऐसे इमोशंस हैं जो हमारे को आगे बढ़ने में रोकती हैं? नहीं, वास्तव में तो जो भी आज हम हैं, हम सब में कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है. उन सब को अगर हम देखें तो उसके रूट में कुछ बिलीफ सिस्टम होती, एक भी हो सकती है, शायद दो तीन भी हो सकती है. एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, अगर सभी करें तो हम टोटली रूट को अच्छे से समझ सकते हैं. कि एक झाड़ का चित्र बनाएं और फिर आज हमारे में जो भी चीज़ें हैं कि कुछ अच्छाई है, जैसे भी मेरे में नम्रता है, एकाग्रता अच्छी है, मैं हार्डवर्किंग हूँ, ये अच्छी बातें. कुछ बुराइयाँ भी हो सकती कि मेरे में आलस है, गुस्सा है, गिल्ट फीलिंग है, वो पूरी लिखे और फिर ये ढूंढे कि इन सब के रूट में एक या दो कोई बातें हैं. देखो, एक दो उदाहरण के द्वारा मैं स्पष्ट करता हूँ. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनको डिप्रेशन लगता था, या तो मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूँ. वो एक बैंक में थे, लेकिन मुझे प्रोजेक्ट देते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, और लोग तो जल्दी कर लेते हैं. रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, वाइफ वॉज वेरी गुड, स्टिल ही फेल्ट कि भी मैं उनकी संभाल ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ. एक बेटी थी, उसका ध्यान नहीं रख रहा हूँ. ऐसे सारे उसके सिम्टम्स लिखे. जब फादर की डेथ हुई तो ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. तो मैंने कहा, देखो सारा ये परिवार है, वह भी आपके साथ है, और सब लोग आपको इतना सहयोग दे रहे हैं. जब यह बात क्लियर हो गई कि मैं अकेला नहीं हूँ, तो एकदम ठीक हो गए. उनकी दवाइयाँ भी चल रही थी, छूट गई 3-4 महीने. तो ऐसे एक बार वो रूट को अगर हम समझ ले तो सब कुछ दूर हो सकता है. इमोशनल ब्लॉक्स, जैसे हार्ट में ब्लॉक्स, वैसे इमोशन ब्लॉक्स है. तो इमोशन ब्लॉक्स को समझा अगर, देखा, तो फिर उसको ठीक भी अपने आप कर पाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, फिर से आत्मा के साथ ही काम करना है. अपने आप को पॉजिटिव दिखाना है, डिटैच होकर.
जैसे औरों को बताते हैं अपने को बताना है. सी अगर ये किसी के साथ भी और होता, कोई भी व्यक्ति उनको ये बता सकता है, देखो आपकी वाइफ कितनी अच्छी है. यू हैव टू जस्ट बी एबल टू से इट टू योर सेल्फ, लेकिन उसके लिए अपने दर्द से डिटैच होना पड़ता है. दैट इज़ वाई सोल कॉन्शियसनेस हेल्प्स. ये सारी चीज़ें हम बहुत ईजिली कर पाएंगे जब हम अपनी परिस्थितियों से डिटैच हो पाएंगे. हमें परिस्थिति ऐसे दिखाई देगी जैसे वो किसी और की परिस्थिति है. विल बी एबल टू गिव द राइट थॉट्स टू आवर सेल्फ. लेकिन इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है वी स्पेंड सम टाइम विद आवर सेल्फ. यू नो हमारा क्या हो रहा है, दर्द है, ब्लॉकेज है, नुकसान हो रहे हैं, हम चल रहे हैं, चलते जाओ. बहुत हम लगता है ये नेचुरल है मुझे, मैं ऐसा ही हूँ करके. वर्क ऑन योर सेल्फ, राइट इट डाउन, फाइंड योर ब्लॉक, क्लीन योर ब्लॉक. दोनों काम हमें ही करने हैं. रिजॉल्व करने की जो बात है कि जब तक रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं आ पाएगी. कि आपको समझ में आ जाए तो भी वो रिमूव हो जाए. तो ये रियलाइजेशन हमें अपने आप ही अपने आप को देखते देखते होगा. देखने की आदत तो होती जा रही है, समझ भी रहे हैं तरीका. सिर्फ ये नहीं पता था कि ये ब्लॉक्स जो हैं ना सिर्फ जीवन के हर सुख से, अगर शरीर के सुख देखें उससे भी हमें दूर कर रहे थे. सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, थैंक यू सो मच. कोई बात मन में है आप हमें ईमेल या फोन पर संपर्क करें. इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वांट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, कॉल अस ऑन 0999974455. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात करेंगे. ओम शांति. ओम शांति. Yes.